हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज पैक नई डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज लाइनिंग दोनों कट कर लिया है और डिजाइन पे देखिए मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है, देख सकते इस तरह लगाती हूँ। देखिये, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 14 इंच ली है, तैयार मेरी 13.5 इंच आएगी। और देखिए, हम 32 साइज बना रहे हैं तो डबल फोल्ड में 8 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर 6 इंच लिए, मुड्डियों में 6 इंच लिए और इसमें हम 1.5 इंच की गुलाई ली है। देखिए, जो डिजाइन हम कट करेंगे वो लाइनिंग पे कट करेंगे तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, शोल्डर से 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी हम 3 इंच लेंगे और इसमें 1 इंच की गुलाई लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए यहां से हम इसमें 1.5 इंच का गैप देंगे इसमें इस तरह। और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 6.5 इंच लेंगे। और देखिए, इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे। और देखिए, इसमें इस तरह हम शेप देंगे। देखिए इस तरह से अब हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए, नीचे ब्लॉक मैंने सीधा रख लिया है, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। देखिए इस तरह, और देखिए जो मैं बीच में ड्रॉ किया है इस पर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे इस पूरे में, और फिर हम बीच का कट करते हुए अंदर से पलट देंगे हम इस तरह। और ऊपर से हम नेक पट्टी और कैनवास कट करेंगे। देखिए, मैंने कैनवास और नेक पट्टी कट कर ली। कैनवास की चौड़ाई हमने 1 इंच ली और नेक पट्टी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। देखिए, हमने ये कपड़ा लिया, इस तरह से खोलेंगे और देखिए इसे हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेते हैं। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो हम 2.5 इंच लेंगे और इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते। देखिए, इसकी जो लंबाई है वो भी हम 2.5 इंच लेंगे, इसकी चौड़ाई और लंबाई हम सेम लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिए, इसी तरह मैं और कट करूंगी। देखिए, इस तरह मैंने सारी पट्टियां कट कर ली हैं। और देखिए, अब हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे इनके। तो देखिए, इस तरह हम इसे क्रॉस में रखेंगे और जो हमारा एक कोना है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, धागे को हम इस तरह टाइट करेंगे, ना पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं सारे तैयार करूंगी। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है और जो बीच में मैंने दिल शेप दिया था इस पर हम सिलाई लगाएंगे पूरे में। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। देखिए, बीच में कट मारेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर दिया है, इसे अंदर फोल्ड करेंगे इसके।
देखिए इस तरह पलट लिए, और देखिए मेरी फ्रॉक भी सारी तैयार कर ली। इस तरह बीच में लगाएंगे हम, देखिए इस तरह। देखिए बीच हम 2 इंच का कर देंगे। देखिए इस तरह मैंने पूरे में लगा दिए, और नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी हमने, और देखिए जो ऊपर का नेक है हम कट करेंगे। कट कर लिए, और देखिए हमने ये नेक पट्टी तैयार की है, इसके ऊपर रखेंगे, इस पर पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने नेक पट्टी लगा दी, इसे अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्लावर भी लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह मैंने ऊपर भी लगा दिए, अब इस पर हम लेस लगाएंगे। गोल्डन कलर की लेस ली है, इस तरह ऊपर से लेस लगाएंगे इसमें हम। देखिए यहां से हम इसमें इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह पूरे में लेस लगा दी, देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी, और हमने प्लेट भी डाल दी, जैसे नॉर्मल 4 इंच में प्लेट डालते हैं। और देखिए हमने पूरे में फ्रॉक भी लगा दी, लेस भी लगा दी, और देखिए हमने रेडीमेड गोल्डन कलर का एक लटकन लगाया है यहाँ पे। देख सकते कितना सुंदर उकार हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर से ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज मेरी